कितना सुंदर लगता है ये, वाह कितना अच्छा लगता है ये। देखिए डेमो मोड पे सारा कुछ ये अपने आप बताएगा है इसके राइट साइड की। सो राइट साइड प्ले करते हैं। सो ये देखिए राइट साइड बढ़िया प्लेबैक है जेंटलमैन। और उसके बाद जेंटलमैन मैंने आपको बताया था ना कितने स्पीकर लगते हैं, सुपर बूफर लग जाता है इसमें, सुपर बूफर आउट है, 8 ओहम सराउंड स्पीकर लग जाते हैं, 4 स्पीकर लेफ्ट राइट फ्रंट के लग जाते हैं। पहले तो करेक्टर चेक कर लीजिए। मैंने कैसेट लगा दी है, हल्का सा म्यूजिक सुनेंगे, ज्यादा नहीं सुना सकता। सो चलिए प्ले करते हैं। सो मैं टोनर पे कर लेता, टेप पे कर लेता हूँ। ये देखिए कान फाड़ देगा, इतनी ट्रबल है ये, तीखी ट्रबल है, बहुत ट्रबल। राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल जी। हेलो जेंटलमैन। सो जेंटलमैन क्या हाल है आपके। सो जेंटलमैन आज का जो मेहमान आया है, कैनवुड का रैक सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेशकीमती, सभी जगह पसंद कर होने वाला। और जब हमें फुल्ली रैक सिस्टम मिल जाए तो क्या कहने उसके, बहुत ही जबरदस्त है। मेरे पास एक कैनवुड का रैक आया है जो मेड इन जापान है, और जेंटलमैन बहुत ही गजब इसका साउंड है, फुली वर्किंग है, ब्लैक एडिशन है, और इसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी, जानिए इसके बारे में कि इसमें क्या क्या आता था। 1990 से 95 के बीच में जो रैक आए थे, जो स्टीरियो बने थे, म्यूजिक सिस्टम बने थे, उसमें क्या क्या खास थी, नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी थी इसमें, नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग थी, बहुत ही उम्दा बेश कीमती। इसमें जब भी कोई साउंड या गाना बजता है, आप इसमें फ्रिक्वेंसी सेट करके इसको जब सुनते हैं तो आपका जो है तन बदन क्या बोलते हैं, आह ऐसे करके जो है मन को जो है अच्छा लगता है आपको। सो ऐसी चीजें जो है हमें दिल को अच्छी लगती हैं, तो आज ऐसा ही कोई प्रोडक्ट हमारे पास आया है। सो चलिए इसका रिव्यू करते हैं जी। सो जेंटलमैन, जेंटलमैन, सो मेरे प्यारे सभी सीनियर्स, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा जैपनीज कैनवुड रैक सिस्टम। जेंटलमैन 1, 2, 3, 4, 5 पीस का रैक सिस्टम। और जेंटलमैन ये काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी पीछे को भी है, और जेंटलमैन ब्लैक एडिशन में है। क्या कहूँ इसके जलवे, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड पेश करने वाला है। मैंने एक वीडियो फ्रिक्वेंसियों पे बनाई हुई है, इसकी फ्रिक्वेंसियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जेंटलमैन बेश कीमती जो नोट्स हैं साउंड के, वो ये प्रेजेंट करता है। सो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और इसके बारे में आपको 1 by 1 सारा कुछ बताऊंगा। मॉडल नंबर से स्टार्ट करते हैं जी। ओके, सो जेंटलमैन ये है कैनवुड स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर A65 मॉडल है। और जेंटलमैन सबसे पहले मैं एम्प की बात करूंगा, ठीक है जी। सो मैंने आपको जो है एम्प दिखा रहा हूँ। एम्प जो इसका है वो टोटल 7 किलो 600 ग्राम का ये एम्प है। और जेंटलमैन ये 55 पर चैनल जो है साउंड आउटपुट निकालता है। एंड जेंटलमैन इसमें जो स्पीकर लगते हैं, 4 स्पीकर जो हैं लेफ्ट राइट के लगते हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट के 4 स्पीकर लगते हैं जेंटलमैन, 4। उसके बाद 2 सराउंड लगते हैं, टोटल होगा 6। उसके बाद जेंटलमैन 1 सबवूफर आउट लगता है, उस ये होगा टोटल 7। ये जो एम्पलीफायर है टोटल 7 स्पीकरों को कंट्रोल कर सकता है जेंटलमैन। उसके बाद जेंटलमैन इस
ये बना कब का है, ये रैक बना कब का है? ये 1991 में आया था, 1991 में ये आया था। और जेंटलमैन उस टाइम जब आया था तो ये बहुत ही महंगा था, कॉस्टली था। वो इसलिए क्योंकि ये जो सेट है वो आते ही महंगे हैं जेंटलमैन, रैक सिस्टम। अच्छा जी, और चलिए इसकी फ्रिक्वेंसियों के बारे में बात करते हैं। सो जेंटलमैन, ये 50 वॉट पर चैनल 8 ओहम में आता है, 8 ओहम के स्पीकर इसको लगेंगे। उसके बाद जेंटलमैन, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस इसका 20 हर्ट्स टू 50 के हर्ट्स तक है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 0.02% है। इनपुट सेंसिटिविटी 1.5 mV, माइक 2.5 mV। जेंटलमैन, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स ने इस रैक पे काम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये इसको उम्दा बनाया गया है जेंटलमैन। और जेंटलमैन क्या इसकी साउंड है। सो जेंटलमैन, चलिए ये तो थी रैक की बात। अब रैक में आपको जो है एम्प की बात, मैंने इसका जो है वेट बता दिया, कब बना है ये भी बता दिया, और कितनी वोल्टेज ये निकालता है, कितने स्पीकर निकाल इसमें अटैच होते हैं वो भी बता दिए। उसके बाद जेंटलमैन आपको मैं बताऊंगा इसमें आप क्या क्या लगा सकते हैं। सो जेंटलमैन, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये देखिए पावर ऑन होती है, सीडी डायरेक्ट भी चला सकते हैं। सराउंड का ऑप्शन मिल जाता है, हेडफोन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने स्पीकर ए लगाए हैं तो स्पीकर ए दबा के रखने हैं, स्पीकर बी बंद रखने हैं। और उसके बाद जेंटलमैन, इसमें जो फीचर्स मिल जाते हैं वो हैं जी, वीडियो डेट, मतलब यहाँ पे वीडियो डेट में आपका जो है टीवी, वीसीआर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद एलडी ऑक्स, यहाँ पे जो है आप अपना सीडी डीवीडी कुछ भी लगा सकते हैं, ऑक्स लगा सकते हैं, ब्लूटूथ लगा सकते हैं। पीछे इसके काफ़ी कनेक्शन है, मैं आपको एंड में ले चलूँगा, पीछे दिखाऊँगा कितने इसमें कनेक्शन मिल जाते हैं। टेप ए, टेप बी, टेप ए ऑटो रिवर्स, टेप बी ऑटो रिवर्स दोनों। उसके बाद ट्यूनर मिल जाता है, ट्यूनर में तो आपका जो है कैलेंडर भी सेट हो जाता है पूरे साल का। जेंटलमैन, इसमें रिकॉर्ड प्लेयर, टर्न टेबल लगा सकते हैं, फोनो मिल जाता है। सीडी मोड जो है इसका, जो है सबसे टॉप पे सीडी दी गई है। माइक मिक्सिंग करके आप इसमें माइक लगा के सिंगिंग कर सकते हैं। ये देखिए ट्रबल आपको मिल जाती है, बहुत ही खुल के चलता है। और जेंटलमैन, बेस तो इतनी है कि आप फुल कर ही नहीं सकते। बैलेंस, लेफ्ट राइट बैलेंस मिल जाता है, म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है। और जेंटलमैन, ये जो इसका वॉल्यूम बटन है, मेरे पास इसका रिमोट नहीं है लेकिन मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा, ये वॉल्यूम बटन जो है एनालॉग है, डिजिटल नहीं है, जो ऐसे बटन घूमता है रिमोट से, बड़ा मज़ा आता है देख के। सो जेंटलमैन, ये थी एम्प की जो जानकारी, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। सो जेंटलमैन, ये है जी डैक इसका। ये डेक है जी, डेक का चलिए पहले मॉडल नंबर जान ले। कैनवुड स्टीरियो डबल ऑटो रिवर्स कैसेट डेक X-85 मॉडल नंबर है। और जेंटलमैन, इसमें ऑटो रिवर्स आपको DPSS का फंक्शन मिल जाता है, डायरेक्शन Dolby NR, Dolby नॉइस रिडक्शन, NOR का, हाई डबिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए इसके गोल्ड कलर के पैर कैसे शाइन कर रहे हैं। और इसमें जो है इस तरह जो है यहाँ से ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे कैसे डाल के आप इसको जो है प्ले कर सकते हैं। ये देखिए नोट्स साथ की साथ आ जाते हैं। काउंटर इसका बेशकीमती, बहुत ही सुंदर लगता है। डिस्प्ले सी रीसेट कैसेट, सी मतलब कैसेट रीसेट, ए बियास, एम कॉल मोड, बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं। ये है जी रिवर्स का, ये फॉरवर्ड का है, ये मतलब टेप ए रिवर्स फॉरवर्ड का है और ये टेप बी रिवर्स फॉरवर्ड का है। ये टेप ए प्ले लेफ्ट साइड का है और ये टेप ए लेफ्ट और राइट प्ले का है और ये टेप बी का है। और जेंटलमैन, टेप ए स्टॉप करनी है तो ये दबाइए, टेप बी स्टॉप करनी है तो ये दबाइए। रिकॉर्डिंग लेवल आप जितना भी रखना चाहें,
ऊंचा या कम रखना चाहें वो मिल जाता है। इसी तरह हम आ जाते हैं टेप बी पे। सो जेंटलमैन टेप बी भी ये देखिए नॉर्मल एंड हाई स्पीड आप जो हैं इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यार ये दो 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 साइड पे रिकॉर्ड करता है, मतलब इधर भी आई डोंट नो, पता नहीं है। सो जेंटलमैन ये देखिए इस पे भी आप ऑटो रिवर्स कर सकते हैं। पाउस रिकॉर्डिंग नॉर्मल हाई स्पीड पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। होय होय बोल बोल के थक गया, ऊपर चलते हैं जेंटलमैन। देखते जाइए, जुड़े रहिए कुलवीर सिंह के साथ। उसके बाद ये है जी कैनवुड का टोनर। टोनर जो है इसका मॉडल नंबर आपको मैं बता देता हूँ, कैनवुड FM AM स्टीरियो सेंथाइजर टोनर T85 मॉडल नंबर है इसका। सो जेंटलमैन एडजस्ट प्रोग्राम एक्स एंटर OTT स्लीप मोड चेक क्लियर ऑल टाइमर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसमें जो है आप मेमोरी सेट कर सकते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे माय गॉड। सो ये जेंटलमैन इसका डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले डायरेक्ट ऑटो +10 बैंड पी स्कैन, और ये टोनिंग का है अप एंड डाउन। सो जेंटलमैन अभी तो मैं 3 की है, मेरे फोन की बैटरी गर्म हो गई है, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ। सो जेंटलमैन ये है जी टोनर। उसके बाद हम चलते हैं इसका जो है इक्वलाइजर। मैं लाइट बंद कर लेता हूँ। सो, मैंने लाइट बंद कर ली है। और जेंटलमैन इक्वलाइजर जो है इसका कैनवुड स्टीरियोग्राफिक इक्वलाइजर GE850 मॉडल नंबर है, ध्यान से देख लीजिए GE850। और जेंटलमैन पावर बटन इसमें मिल जाता है, ऑफ कर सकते हैं। इफेक्ट रुकिए जरा, इफेक्ट आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहे हैं। आपने फ्लैट रखना है तो फ्लैट रखिए म्यूजिक को, और फ्रिक्वेंसी 1 फ्रिक्वेंसी 2 फ्रिक्वेंसी 3 वाइड नैरो ऑल ऑटो। और ये देखिए जनाब ये फ्रिक्वेंसी आप कैसे सेट कर सकते हैं, ये जो मेरे सीनियर हैं वो जानते ही हैं। ये बेस की हो गई, और ये आगे बढ़ते हैं तो वोकल्स की हो गई, और ये ट्रेबल की हो गई। ये फ्रिक्वेंसियां हैं इसमें, ऑल फोकस है, ग्राफिक पैरामीटर है, डिस्प्ले है, और ये देखिए करेक्टर मतलब स्पेक्ट्रम उल्टा सीधा जैसा मर्जी आप कर सकते हैं, कितना सुंदर लगता है। ये देखिए डेमो मोड, ये देखिए डेमो मोड पे ये सारा कुछ बताएगा अपना, बड़ा इसमें फीचर्स आते हैं डेमो मोड पे। ये देखिए कितना सुंदर लगता है ये, वाह कितना अच्छा लगता है। ये देखिए डेमो मोड पे सारा कुछ ये अपने आप बताएगा, कैनवुड ग्राफिक वाव कितनी अच्छी बार चल रही है ना। ये देखिए कैनवुड ग्राफिक उसने बताया था। अब ये देखिए फ्रिक्वेंसियां जो हैं आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पैरामीटर, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक का पैरामेट्रिक फ्रिक्वेंसी वाइड, ये देखिए वाह कितनी समुंदर की तरह। ये नारा NARA नारा पता नहीं क्या है, नारा लेवल वाह वाइड, देखिए ये अपने बारे में बता रहा है। ये देखिए फ्रिक्वेंसियों के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे कौन सी फ्रिक्वेंसी NARA नारा जो है उसके बारे में ये बता रहा है। उसके बाद जो है रेफरेंस लिख के आया था, रेफरेंस 1 ठीक है जी, रेफरेंस ये बटन सॉरी ये जो बटन है ना ये वाले 1 2 3 4 5 ये रेफरेंस 1 2 3 आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। रेफरेंस 2 ये 2 वाला बटन है, तो 2 में आप जैसे भी आपने रखना है मेमोराइज कर सकते हैं, मतलब मेमोरी में ये रही मेमोरी सेलेक्ट करके रख सकते हैं अपनी फ्रिक्वेंसियाँ कैसे आपने साउंड सेट करना है। सो मैनुअली भी आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं जो है ऊपर नीचे करके आप इसके साउंड का मज़ा ले सकते हैं ठीक है जी। और देखिए डेमो मोड पे ये सारा कुछ अपना बता रहा है ठीक है। रिकॉर्डिंग मोड, ये देखिए रिकॉर्डिंग मोड भी है इसमें,
तो ये जो बटन है ये वाला रिकॉर्डिंग मोड का है। नेक्स्ट है जी ऑल लिंक, ऑल लिंक पे है, ऑल लिंक एरिना जैज स्टेडियम डिस्को चर्च मूवी। वाह, देखा जनाब अभी तक ख़त्म नहीं हुए। ऑल ऑटो पे कर सकते हैं, ये वाला है ऑल ऑटो। सो ऑल ऑटोमेटिक पे ये जो है सैम्पल, ये देखिए सैम्पल पे आ जाता है। क्या ज़बरदस्त फंक्शन है जनाब इसमें, वाह ज़बरदस्त। ये देखिए आगे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, फोकस, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। ये देखिए तीन मिनट हो गए चलते हुए इसको, और ये देखिए अभी भी बता रहा है, ऑल फोकस बता रहा है, डेमो मोड ये सारा अपना दिखा रहा है। सो मुझे लगता है काफ़ी और भी फीचर मिलेंगे। डेमो मोड हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। और ये इसमें फीचर हैं सारे, और जेंटलमैन ये है जी फ्रिक्वेंसियाँ, ये जो है इसकी मेमोराइज करने वाले हैं, जो 1 2 3 4 और ये मेमोरी सेटअप कर लीजिए, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग मोड, डेमो मोड, और ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। डिस्प्ले, ठीक है जी, काफ़ी यार समय लग गया, ऊपर चलते हैं। ये सीडी का है, सो सीडी जो है आप ऑफ ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऑफ कर दी, ये बाहर को आ जाता है बटन कुछ इस प्रकार से। सो ये देखिए तो ये बाहर आ गया, ये ऑन हो गई। और इसका जो है मॉडल नंबर वो है DP950 मॉडल नंबर है इसका, और 1 bit डिजिटल पल्स एक्सिस कंट्रोल है। माय गॉड, पल्स मतलब हमारी जो पल्स होती है उस तरह का है। और यहाँ से ओपन, 1 touch है जी। ट्रे देखिए बाहर आ गई है, नीचे से दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी हाइट पे है ये। सो 1 touch है, देखिए साथ ही साथ इसके नोट्स आ जाएंगे, देखिए आ गए ना। प्ले करते हैं, सो ये देखिए अभी चलने लग जाएगी। सो सीडी मोड पे तो है ही, सो ये देखा आपने थोड़ा सा साउंड मैंने सुनाया, और सीडी चल रही है बेहतरीन। और ये देखिए इसमें करीब प्रोग्रामिंग सेटअप हो जाता है 20 तक, ठीक है जी। और ये पी मोड चेक, क्लियर टाइम, ये सारा कुछ, स्पेस, एडिट, रिपीट, ओ माय गॉड, ये सारा कुछ इसमें मिल जाता है, ठीक है जी। इतना कुछ है इसमें, इतना कुछ। अभी तो मैं बैक साइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है जी। सो चलिए इसकी बैक साइड चलते हैं। सो जेंटलमैन ये है जी इसकी बैक साइड, तारें देखें कितनी लगी हुई हैं। मैं एक एक तार के बारे में आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है, अगर किसी को समझ आ जाए तो वो इजीली सेटअप कर सकता है। ये सारी तारें जो हैं इसमें 2-3 तारें ही मेन है, बाकी तो सारी टोनर की नीचे, टोनर में लगी हैं सीडी की, सीडी में। सो चलिए पास में ले चलता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए जेंटलमैन, सबसे पहले तो ये देखिए, ये है जो है आउटपुट लाइन, आउटपुट है, ठीक है जी। ये सीडी की है, ये सीडी की है। सो सीडी की यहाँ सीडी में लगा लीजिए, मैंने निकाल दी है तो आप लगा लेना। ये देखिए सीडी लिखा हुआ है, सो ये आपको मदद करेगी इस पूरे के पूरे। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए सबसे ऊपर सीडी थी यहाँ, ठीक है जी। यहाँ से लाइन आउट आई और यहाँ लाइन इन एम्प में लग गई, ठीक है जी। उसके बाद टोनर की है, तो ये रहा आपका टोनर, तीसरे नंबर में टोनर है इसका। सो टोनर आउट से, ठीक है जी। सो ये मैंने टोनर की जो है ये निकाल के, यहाँ से टोनर की निकाल दी, टोनर की निकाल दी, ये देखिए तो यहाँ पे टोनर लिखा हुआ है। इसी तरह जो है ये वाली है प्ले इन, ये डेक की है, जो डेक है ये यहाँ से प्ले आउट है, सिंपल है, और यहाँ से प्ले इन है। सो ये डिस्कनेक्ट हो गई। सो ये देखिए यार, यहाँ पे सीडी लगा लीजिए, यहाँ पे टोनर, मतलब टोनर आउट से टोनर इन, और ये डेक की है तो डेक में लगा लीजिए। और ये जो है, ये दो तारे मेन है, तो ये जो दो तारे हैं ये वाली, ये मतलब वाइट एंड रेड, वाइट एंड रेड, ये वाली जो दो तारे हैं ये देखिए, ये तो ये आउट की है,
ये दोनों आउट की हैं, तो ये कहाँ लगेंगी? इक्वलाइजर में। ये देखिए, ये इन है, एडेप्टर इन, एडेप्टर आउट, सो ये लगी रहनी चाहिए, तभी आपका इक्वलाइजर काम करेगा, नहीं तो वो बाईपास रहेगा। सो जो इन की यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे जो आउट की है वो इसके बगल में लगा दी, बिल्कुल ही साथ में, जो ये वाली हैं दो, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, यार बहुत ही आसान है, बच्चा भी समझ लेगा मेरी बात को। सिंपल सी बात है, यहाँ से आउट लेके इक्वलाइजर के इन पे लगा देनी है, ये साइड में ऊपर नीचे। और जेंटलमैन, तो यहाँ पे ये जो वाली, ये आउट लेके ऊपर लगा देनी है, ये इन है, तो ऊपर से जो आउट आ रही है साइड में ऊपर नीचे की, वो यहाँ पे लगा देनी है, ये वाले में, ठीक है जी। तो ये अडेप्टर की है, मतलब चार तारे अडेप्टर की हैं और आपके इक्वलाइजर में लगेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस ये याद रखना। ये तो फालतू है, ये तो ऑक्स की लगाई हुई है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा ही सिंपल है जेंटलमैन। सो जेंटलमैन, उसके बाद ये देखिए ग्राउंड का ऑप्शन आ गया, फोनो आप लगा सकते हैं, आपका रिकॉर्ड प्लेयर लग सकता है, ओ माय गॉड, इसमें रिकॉर्ड प्लेयर लग सकता है जी, मेड इन जैपनीज है ये, देखिए वर्ल्ड में कहीं भी चल सकता है, 110 120 220 240 वॉट में कहीं भी चल सकता है जेंटलमैन। और उसके बाद जेंटलमैन, मैंने आपको बताया था ना कितने स्पीकर लगते हैं, सुपर बूफर लग जाता है इसमें, सुपर बूफर आउट है, 8 ओहम सराउंड स्पीकर लग जाते हैं, 4 स्पीकर लेफ्ट राइट फ्रंट के लग जाते हैं। और जेंटलमैन इसमें ये देखिए, ये जो इनपुट है कितनी ज़्यादा है, ठीक है जी, ये देखिए कितनी ज़्यादा इनपुट है इसमें। बाकी जेंटलमैन जो बाकियों का है सर, सो बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सो जेंटलमैन, जो आपकी इक्वलाइजर से, ये देखिए इक्वलाइजर से सप्लाई की वायर निकली है, सो इक्वलाइजर से सप्लाई की वायर निकली है, आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है जी। और उसके बाद एक वायर और निकली है, वो है सीडी की, ये है सीडी की वायर सप्लाई की, वो आपने इसके साइड पे लगा देनी है, बस सिंपल। उसके बाद जेंटलमैन, जो बारी आती है हमारी, ये देखिए अभी भी तारे आगे आ रही हैं, लेकिन आप आराम से शांति से बैठे रहिए, ठीक है जी। सो ये जो कनेक्टर है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से, और सबसे नीचे लगता है, और इसी का जो एक कनेक्टर है वो यहाँ लग जाता है, वो लगा ही हुआ है, ये देखिए, अब देखिए लगा हुआ है ना। उसके बाद जेंटलमैन, बस ये तो दूसरे थे, अब जो कनेक्टर है वो ये वाला है, सिस्टम कंट्रोल करता है, सिस्टम कंट्रोल जो है यहाँ से गया, और ये नीचे लगना है, दो है ऊपर नीचे, तो नीचे लगना है, सो नीचे से गया यहाँ पे लग गया, और ये जो सिस्टम कंट्रोल है एक और है प्लग, तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ नीचे लग गया, बस बाकी सब ईजी है, सिंपल है, आसान है। सो देखिए हम एम्प का कितना पीछे का सिस्टम है, काफ़ी कुछ एम्प में हमें मिल जाता है जी। ये सिलेक्टर है, वर्ल्ड में कहीं भी चल सकता है, ठीक है जी। और ये जो है इसका बैक साइड का है, ये डेक है इसका, कैनवुड का बैक साइड का, ये भी मेड इन जापान है, ये देखिए। और जेंटलमैन, ये है इसका टोनर, यहाँ पे आप एंटीना वगैरह लगा सकते हैं, ये आउट है, और ये भी मेड इन जापान है, ये देखिए। और ये है इसका इक्वलाइजर, मेड इन जापान, ठीक है जी। और वो रहा उसका सीडी, वो भी जापान है, क्लास लेजर प्रोडक्ट। सो चेस की परफॉर्म जेंटलमैन, अब बारी है जी इसकी परफॉर्मेंस की, इंतजार की घड़ियां खत्म, साउंड आपको सुनाऊंगा कैसा ये परफॉर्मेंस है इसकी। सो सबसे पहले ऑक्स कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है जिसके चलते हमें जो है हिंदी गाने नहीं चला सकते। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो आवाज़ करते हैं। तो मैं फ्रिक्वेंसियां सेट करूंगा, पहले तो करैक्टर चेक कर लीजिए, देखिए कैसे इसका जो है ट्रेबल कम हो जाती है ये।
तो ये डीएसपी ऑन करेंगे यहाँ से, ट्रेबल कम हो गई है, तो चलिए फिर से चेक करते हैं। इफेक्ट ऑन कर दिए मैंने इक्वलाइजर के भी, ये ट्रेबल कम हो गई और ट्रेबल बढ़ाते हैं, कान फाड़ देगा इतनी ट्रेबल है, ये तीखी ट्रेबल है, बहुत ट्रेबल है। ये देखिए अब मैं कम करूंगा, कम होगी ट्रेबल, अभी देखना। माय गॉड, बहुत ट्रबल है इसकी बेस, ये बेस का है। सो बेस आपको पता नहीं लगेगी इस, आपको सिर्फ हेडफोन में ही पता लगेगी, वोकल पता लग जाएंगे, वोकल्स का पता लग जाएगा आपको। सो जेंटलमैन, ऑक्स मैंने आपको सुनाई, इसकी फ्रिक्वेंसियां जो है वो दिखाई कि कितनी फ्रिक्वेंसी पे ये चलता है। बहुत सारे फीचर हैं इसमें, बहुत कुछ ये अपने बारे में आपको बताना चाहता है। सो मैंने ऑक्स के बाद अभी सीडी जो है, सीडी प्ले करते हैं। सो चलिए ये मैंने सीडी प्ले कर ली है और सीडी मोड पे करते हैं। सो सीडी मोड पे है जी, ये देखिए। सो ये सीडी बस इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं सुना सकता। सो सीडी मैंने सुना दी है, उसके बाद जेंटलमैन जो बारी है इसके कैसेट की। सो कैसेट सुनाते हैं। सो चलिए, सो ये मैंने कैसेट लगा दी है, हल्का सा म्यूज़िक सुनेंगे, ज़्यादा नहीं सुना सकता। सो चलिए प्ले करते हैं। सो मैं टोनर पे कर लेता, टेप पे कर लेता हूँ, ये देखिए। ओह माय गॉड, आवाज़ नहीं करनी, मैंने अपना म्यूज़िक नहीं सुनाना। सो ये देखिए, ये जो है डेक चल रहा है ए साइड को। मैं यार बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, आपको म्यूज़िक सुनाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये रिकॉर्ड करके कॉपीराइट, बिना कॉपीराइट म्यूज़िक जो है आपको सुना सकूँ। सो ये लेफ्ट साइड को, सो ये देखिए लेफ्ट साइड को भी बढ़िया चल रही है और राइट साइड को भी बढ़िया चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद जेंटलमैन स्टॉप करते हैं और सॉरी रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं, ये फॉरवर्ड हो रहा है, ये देखिए स्टॉप करते हैं, रिवर्स, ये रिवर्स हो रहा है, स्टॉप करते हैं। सो जेंटलमैन उसके बाद बारी आती है इसके राइट साइड की। सो राइट साइड प्ले करते हैं। सो ये देखिए राइट साइड बढ़िया प्लेबैक है, बहुत ही बढ़िया। मैं यार लाइट ऑन कर लेता हूँ जिससे आपको दिख सके। ओए होए, सारे बंद हो गया। सो चलिए प्ले करते हैं। सो ये देखिए बहुत अच्छे से प्ले हो रहा है, इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। सो ये देखिए आवाज़ आ रही है। सो लेफ्ट साइड भी प्ले करते हैं। सो ये देखिए लेफ्ट साइड भी प्लेबैक है, बड़ा अच्छा कर रहा है, ये देखिए। सो ये देखिए साउंड आ रहा है, ठीक है जी। मैंने कोई गाना नहीं सुनाया, सिर्फ आपको हल्का सा एक झटका दिया है कि ये दोनों तरफ ये भी वर्किंग है। स्टॉप करते हैं और ये फॉरवर्ड, ये देखिए फॉरवर्ड बढ़िया हो रहा है, रिवर्स बढ़िया हो रहा है, ठीक है, स्टॉप करते हैं। और जेंटलमैन उसके बाद देखिए सीडी ऑक्स, सीडी डेक चेक करवाने के बाद मैं आपको जो है इसका एफएम चेक करवाऊंगा। सो जेंटलमैन मैंने एफएम सेट कर लिया है 92.7। सो बस एफएम इतना ही, मतलब एफएम भी इसका बढ़िया वर्किंग है। फुल अगर आपने इसका जो है गाने सुनने हैं हिंदी में, तो मैं अपने इंस्टा पे चला के आपको इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी।
सो ये थी जी इसकी सारी की सारी कहानी। बहुत टाइम लगा मुझे इसको सुनाने में, इसकी कहानी को। सो जेंटलमैन, अभी प्राइस की बात कर लें तो ये आपको 35,000 का मिल जाएगा। 35,000 का ये पूरा रैक जो है आपको मिल जाएगा, फुल्ली वर्किंग है, वन टच है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। आप हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही दुआ है मेरी। सो थैंक यू वेरी मच जी।